हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अध्याय 18। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 1, 2 एंड 3। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांत अत्वैव मे विशतो मानसराज हंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वं, स्मरतव्यं सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वविद्धि निषेधास्यो। एतयोरेव किंकर आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू, वर्गेनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं, प्रेम पुमर्थो महा, श्रीचैतन्य मतमिदं तत्राधरो न पर वंशी विभूषितकरा, नवनीरधाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जानि, ब्रजे वसंतं नवनीत चोरं, गोपांगनानां जदुकूल चोरं, श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं, चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि, श्रीकृष्णश्यामं मनसा
शैवानरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। पहला स्कंद अध्याय 18 जिसका शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरी मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः यो वै द्रोण्यस्त विप्लुष्टो न मातुरुदरी मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। शब्दार्थ सूत उवाच यानी सूत गोस्वामी ने कहा यो वै द्रोण्यस्त्र यो वै यानी जो वै मना निश्चय ही द्रोणस्त्र द्रोणाचार्य जो थे उनके पुत्र के अस्त्र द्वारा विप्लुष्ट जलाया गया न कभी नहीं मातु माँ के उदरे यानी गर्भ में मृत मरा हुआ अनुग्रहात कृपा से भगवान भगवान भगवत मना भगवान कृष्णस्य कृष्ण की अद्भुत कर्मणा जो अद्भुत कार्य करते हैं। अनुवाद श्री सूत गोस्वामी ने कहा भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी महाराज परीक्षित जल नहीं पाए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेषतया कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि ना पहुंचाने के लिए पूर्णतया अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। सूत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सूत गोस्वामी ने कह सुनाया। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं गुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। तो हमने देखा किस प्रकार महाराजा परीक्षित ने
कलयुग को दंडित भी किया और उसको पुरस्कार भी दिया, रहने के लिए स्थान भी दिया, परंतु साथ साथ में अपने राज्य में कहीं पर भी हानि पहुंचाने के लिए उसे बाध्य कर दिया कि आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर हमारे राज्य में नहीं आओगे जहां पर के अच्छे संस्कृत लोग होंगे, बल्कि आप कहाँ जाओगे, द्यूतम पानम स्त्रीय सोना, जहाँ पर गंदे लोग होंगे जो शराब पीते होंगे, मध्यपान करते होंगे, वेश्यावृत्ति होगी, जहाँ पर जुआ खेला जाएगा या मांसाहार किया जाएगा, तुम खाली उन्हीं के पास जा सकते हो, मेरी साधारण जनता को तुम कोई भी कष्ट मत पहुंचाना। और साथ में उन्हें सोने के अंदर भी रहने के लिए स्थान दिया, क्योंकि बताया जाता है कि ये जो सोना होता है उसी के कारण जितना ज्यादा अधिक धन होता है वहीं पर अपराध होने लगते हैं। तो महाराज परीक्षित के बारे में जब ऋषियां नैमिषारण्य के सारे ऋषि ये सब सुन रहे थे कि साक्षात कली को दंडित किया और अपने राज्य में उसे कोई भी हानि ना पहुंचाने के लिए पूर्णतया से अक्षम बना दिया और कलयुग को अपने राज्य से बिल्कुल निकाल दिया, तो इससे आश्चर्यमय बातें सुनने के बाद उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था महाराज परीक्षित के विषय में सुनकर, और वो अधिक सुनना चाहते थे। उनके आश्चर्य को देखकर अच्छा ऐसे किया, अच्छा फिर से धर्म की पुनः स्थापना कर दी और गौ माता का दुख दूर कर दिया, यानी पृथ्वी और धर्म दोनों को संतुष्ट कर दिया। जब ऋषिगण सूत गोस्वामी के मुख से ये सब सुन रहे थे तो उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था, और सूत गोस्वामी भी उनका भी दिल नहीं भर रहा था महाराज परीक्षित के विषय में बताने से, क्योंकि महाराज परीक्षित वो सम्राट है, वो व्यक्ति है जो पैदा होने से पहले ही भगवान के संरक्षण में थे, मतलब भगवान श्री कृष्ण का साक्षात उन्हें संरक्षण प्राप्त होता हुआ था, और जब वो माता के गर्भ में थे। अब यहाँ पर एक बात सुनने की समझने की है, हम जो ये भागवतम महापुराण पढ़ रहे हैं ना, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये भागवतम कोई साधारण शास्त्र नहीं है, ये साक्षात भगवान है। भगवान में और भागवतम में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन अगर तत्व से देखा जाए, थोड़ा सा अगर हम तत्व से देखने का प्रयास करें, तो दो चीजें हैं, उनमें से अगर एक की इम्पोर्टेंस बढ़ानी है तो हम भगवान और भागवतम में से भागवतम को चुने, क्योंकि भागवतम वह शास्त्र है जो भगवान से भी ज्यादा बढ़कर है। अब वो कैसे है कि देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित महाराज की माता के गर्भ में जाकर रक्षा की। यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो, यो वै द्रोण्यस्त्र, जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया था तो वो माता के गर्भ में थे, परीक्षित महाराज अपने माता के गर्भ में थे, और उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी वहां पर रक्षा की थी। न मातुरुदरे मृत, मातुरुदरे यानी माता के गर्भ में भी उनको कुछ हानि नहीं पहुंची जब ब्रह्मास्त्र चला। तो अब जब ब्रह्मास्त्र चला तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई थी उनकी माता, और भगवान श्री कृष्ण को कहा कि पाहि पाहि महायोगिन, आप तो महायोगेश्वर हो, आप कृपा करके मेरे गर्भ में जो संतान है उसकी सुरक्षा करो। अश्वत्थामा ने, उसको पता भी नहीं था कि क्या हुआ है, उसने तो ब्रह्मास्त्र भी नहीं देखा, उसने कहा मुझे क्या हो रहा है, मेरे अंदर इतनी पीड़ा हो रही है, मैं उस पीड़ा को नहीं सहन कर पा रही हूँ, आप रक्षा कीजिए। कृष्ण को कहा आप रक्षा कीजिए, कृष्ण ने कहा उत्तर तुम क्यों रक्षा चाह रही हो, तुम्हारे तो पति भी नहीं है, और एक पति विरता स्त्री तो जीना चाहती नहीं वैसे भी अपने पति के बगैर, तो तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। उत्तरा ने साफ कहा प्रभु मैं अगर मर जाऊं तो मुझे इससे कोई भी दुख नहीं होगा, लेकिन मेरे कोख में पलने वाली जो मेरे पति की आखिरी निशानी है, जो ये कौरव वंश का अंतिम चिराग है, आप उसको बुझने से बचाइए, आप मेरी संतान की रक्षा कीजिए। और भगवान स्वयं गए, यहाँ पर बता रहे हैं सूत गोस्वामी, अनुग्रहात भगवत, भगवान इतनी करुणामयी हैं कि अपने भक्तों की पुकार सुनकर वो कहीं पर भी चले जाते हैं। उनको भक्तों की पुकार सुनकर फिर
कहीं पर भी जाने में उनको वो देर नहीं लगाते। पृथ्वी रसातल में चली गई, हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को रसातल में इतनी गंदी जगह पर जाकर फेंक दिया जहाँ पर कि कोई नहीं जा सकता सिवाय सुअर के। तो भगवान ने वहाँ पर वराह अवतार ले लिया कि भाई मेरी पृथ्वी मेरी भक्ति ने भक्त मैं अपने भक्त को कभी भी दुखी अवस्था में नहीं देख सकता। तो भगवान उसके लिए वहाँ पर भी चले गए। भगवान के लिए कहीं पर भी जाना मुश्किल नहीं है, आप जहाँ पर भी हो, बस यदि हम सच्चे हृदय से भगवान को बुलाएंगे तो भगवान वहाँ पर आकर हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। तो माता के गर्भ में भी परीक्षित महाराज की अनुग्रहात भगवता, भगवान की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ। हालांकि जो ब्रह्मास्त्र है वो लक्ष्य भेदे बगैर कभी नहीं आता, ब्रह्मास्त्र चल गया था तो इसका मतलब है परीक्षित महाराज लगभग मृतक हो गए थे, परंतु नहीं जल पाए क्योंकि कृष्णात अद्भुत कर्मणा। ये कृष्ण जो है वो ऐसे अद्भुत कर्म करता रहता है, ये भगवान कोई साधारण कार्य नहीं करता, उनके सारे कार्यों में कोई न कोई आश्चर्य होता है, कोई न कोई अद्भुतता होती है। तो ये बात बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि कृष्णांत अद्भुत कर्मणा, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत कर्मों के द्वारा वो माता के गर्भ में भी सुरक्षित रहे। भगवान श्री कृष्ण माता के गर्भ में चले गए और वहां पर परीक्षित महाराज की सुरक्षा की। जब भगवान का सहारा लिया तो उसे संरक्षण प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्हें क्या प्राप्त हुआ, वो इस संसार में उनका जन्म हुआ। और इस संसार में अब संसार में कोई भी आता है तो उसको कुछ दुख सहने पड़ते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यहाँ पर आने के बाद उनको उन्होंने बहुत अच्छा राज्य किया, उनके राज्य के तो हम विषय में पढ़ के आए, लेकिन फिर भी उनको श्राप मिला है ना, आगे चलकर उनको श्राप मिलेगा और 7 दिन के अंदर उनको मरना होगा। अब वही स्थिति उनके जीवन में अंत में भी आई जो पहले आई थी, जो पैदा होने से पहले उनको ब्रह्मास्त्र से बचना था और अंतिम जो अपने जीवन की स्थिति में उनको तक्षक सर्प से बचना था। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं तो उसमें ब्राह्मण पुत्र उनको श्राप देता है कि तक्षक जो है वो सर्प आपको डसेगा। तो पहले जब ब्रह्मास्त्र जब उसके उनको मारने के लिए आ रहा था तो महाराजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ के अंदर उपस्थित हो गए, लेकिन जब अंतिम समय में महाराजा परीक्षित को तक्षक सर्प ढसने के लिए आ रहा था तो उस समय महाराजा परीक्षित ने किसकी शरण ली जानते हैं? उस समय महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवतम महापुराण की शरण ली। ये वही महाराज परीक्षित हैं जिन्होंने जन्म से पहले भगवान की शरण ली तो उन्हें इस पृथ्वी पर आके श्राप भोगना पड़ा और अंतिम समय में जब उन्होंने भागवतम महापुराण की शरण ली तो उन्हें भगवान का वैकुंठ धाम मिल गया। तो यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, यह डिसाइड कर सकते हैं कि भगवान की शरण लेने से भी अधिक महत्वपूर्ण है भागवतम की शरण लेना, क्योंकि भागवतम के द्वारा ही हम भगवान की रियल स्थिति को समझ सकते हैं, हम अपने आप को भगवान की शरणागति कर सकते हैं, हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भागवतम जो है वो भगवान से भी अधिक कृपालु है क्योंकि वो हमें जन्म से बचाता है, जन्म मरण के चक्कर से बचाता है। इसीलिए यहाँ पर हम जो भागवतम महापुराण श्रवण कर रहे हैं ना वो साक्षात भगवान को प्राप्त करने जैसा है। भगवान के दर्शन नहीं, केवल भगवान के दर्शन करना इसका मतलब ये नहीं कि आपने भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन भागवतम महापुराण श्रवण करना मतलब भगवान आपके हृदय में आकर कैद हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्यते तकृति भी शुश्रूषुभिस् तत्क्षणात्। जब हम भागवतम श्रवण करने की इच्छा करते हैं तो हृदय में आकर प्रभु कैद हो जाते हैं। तो ये भगवान जो है वो अद्भुत कर्म करने वाले हैं। यहाँ पर हमने भगवान के बहुत सारे अद्भुत कर्म देखे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता समझा रहे हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ, अर्जुन के मन में कोई भी मोह नहीं था,
वो तो बेचारा शस्त्र पकड़ के रथ के ऊपर शस्त्र बरसाने के लिए तैयार हो गया था, मगर भगवान ने उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर ली कि मुझे देखना चाहिए। भगवान अर्जुन ने तो पहले देखा होता, क्या पहले देखे हुए नहीं थे सारे सारे जो योद्धा उस साइड पर लड़ाई कर रहे थे, सब देखे हुए थे। लेकिन कृष्ण ने कहा अब ये युद्ध करने आया ही है, ये तो युद्ध करके अधर्म को नाश कर देंगे, लेकिन जो बाद में जो सारे मेरे भक्त आएंगे उनको मेरा प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ तो देखे जाओ, कुछ तो देखे जाओ, वरना तो क्या बोलेंगे वो कि भाई भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे इसलिए वो तो युद्ध में जीत गए, अभी हमारे साथ तो भगवान श्री कृष्ण है ही नहीं, उनका आदेश भी नहीं है, हमारा तो पूरा जीवन एक संघर्ष है, केवल दुख ही दुख है संसार में, तो फिर हम कैसे भगवान की भक्ति करें। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने आने वाले भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देकर पहले अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न किया और अर्जुन कहने लगा कि गांडीवम संस्रते हस्ता त्वचैव परिदह्यते, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बदकिस्मती दुर्भाग्य के का दर्शन हो रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो है ना पृथ्वी के राज्य को छोड़ो अपित त्रैलोक्य राज्य से हत्वा केमनो मही कृते, अगर मुझे त्रिलोक का राज्य भी प्राप्त हो जाए ना वो भी मुझे नहीं चाहिए, आप पृथ्वी के राज्य के लिए मुझे ये युद्ध करने के लिए बोल रहे हो, मैं अपने गुरुओं को मारूं। तो भगवान श्री कृष्ण सामने खड़ा करके अर्जुन को दिखा, वो देखो वो भीष्म, इस भीष्म जो तुम्हारा दादा है ना, जिसको जिसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तुम्हारा तो पिता भी मर गया था, इस भीष्म ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम्हें तो कोई हस्तिनापुर में स्वीकार भी करने नहीं वाला था, महारानी कुंती के पति पांडव को श्राप मिल गया था कि वो उनको सारे पुत्र जो है वो अलग अलग देवताओं के द्वारा प्राप्त हुए थे, तो फिर आप लोगों को तो कोई स्वीकार भी नहीं कर रहा था, ये भीष्म पितामह जिन्होंने आपको स्वीकार किया, आज उसको मारना है तुमको। अर्जुन ने जब देखा तब तो वो आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा गुरु ने हत्वा न महानुभावन, इन गुरुओं की हत्या करो, इन महानुभावन की हत्या करो, इससे बेहतर तो क्या है श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि है लोके, जीवन भर अगर हाथ में कटोरा लेकर भिक्षा मांगता हुआ अगर गुजारा करूंगा ना तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिक्तान, इनको मारकर मैं जो भी भोग खाऊंगा ना मुझे ऐसा लगेगा कि इनके खून से सना हुआ भोजन है, मैं नहीं मारना चाहता। और उसी अर्जुन का पहले मोह उत्पन्न किया और फिर पूरी श्रीमद् भगवद गीता 45 मिनट में सुना के उसका पूरा मोह समाप्त करके दे दिया और कहा अब बताओ अर्जुन कैसा लग रहा है। कृष्ण अर्जुन बोल रहे नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत, अभी तो मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई है, अभी आपकी कृपा मुझ पर हो गई है। तो वास्तव में ये भगवान जो है वो ऐसे अद्भुत कर्म करते रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज को जब मोह उत्पन्न हो गया ना तो फिर वो किसी से समझ ही नहीं रहे थे, जब युद्ध के अंतिम युद्ध जब समाप्त हो गया और युधिष्ठिर महाराज को जब राज्य मिल गया तब वो इतना रोए जा रहे हैं, इतना दुखी हो रहे हैं कि मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, मेरे कारण इतनी सारी हत्याएं हुई, तो इस सब का कारण मैं हूँ, मैंने इन सबको विधवा बनाया, मैंने केवल अपने आप को आनंद देने के लिए राज्य प्राप्त करने के लिए इतनी सारी हत्याएं। तो कृष्ण उनको समझा रहे, बाकी सब भी उनको समझा रहे, वेद व्यास जी उनको समझा रहे, इतने बड़े बड़े ऋषि वहां पर आए उनको समझा रहे, लेकिन वो किसी से नहीं मान रहे। कृष्ण उनको समझा रहे देखिए बड़े भैया आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का तो कर्तव्य होता है कि वो अधर्मियों का नाश करे, तो आपने अधर्मियों का नाश करके कोई अपराध नहीं किया। खुद से कृष्ण उनको समझा रहे हैं और अंदर में परमात्मा के स्वरूप में बैठकर उनको समझने नहीं दे रहे हैं। इसे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कृष्ण तुम तो छोटे हो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। असल में जो क्षत्रिय होते हैं यदि अपने प्रजा के कल्याण के लिए राष्ट्र के कल्याण के लिए जब युद्ध करते ना तब उन्हें अपराध नहीं लगता। मैंने थोड़ी कोई अपने प्रजा की आनंद के लिए कोई मैंने ये युद्ध किया था,
प्रजा तो आनंदित थी, हस्तिनापुर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सिर्फ मैंने अपनी इंद्रिय खुशी के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए ये सब मैंने किया, इसलिए सारा का सारा दोष मेरा है, मैं तुम्हारी बातों से नहीं मानने वाला। क्योंकि कृष्ण चाहते नहीं थे कि वो समझे। अब कृष्ण क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि पितामह भीष्म उपदेश करें। भगवान को अपनी कीर्ति से ज्यादा अपने भक्तों की कीर्ति सुनना अच्छा लगता है। तो महाराज युधिष्ठिर को वो पितामह भीष्म के पास लेके गए और पितामह भीष्म ने जब उपदेश किया तब महाराजा युधिष्ठिर को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। इसी तरह भगवान के अद्भुत कर्मों की कोई लिमिट नहीं है। दुर्योधन को जाके समझाते, दुर्योधन ये पांडव राजा है, इनको मगर राज्य देने की जरूरत नहीं है, इनको 5 गांव दे दो, बस 5 गांव में ये संतुष्ट हो जाएंगे, युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। दुर्योधन के लिए तो कितनी जबरदस्त डील थी कि पूरा का पूरा सारा जो राष्ट्र है वो उसे मिलेगा और 5 छोटे छोटे गांवों में उनको, पांडवों को रख देंगे और बोला बाद में तुमसे लड़ाई भी नहीं करेंगे, तुमसे हस्तिनापुर का राज्य भी नहीं लेंगे। लेकिन उस टाइम पर दुर्योधन को तो अगर बुद्धि दे देते ना थोड़ी भी, तो दुर्योधन ये सोचता कि इससे ज्यादा तो मेरे लिए कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, इनको तो किसी छोटे छोटे गांव में जाके भेज दूंगा इनको, वो वहां पर रहेंगे और मैं यहाँ पर राज्य करूंगा। लेकिन हृदय में बैठकर दुर्योधन को बोल देते, दुर्योधन नहीं देना, इसकी कृष्ण की बात नहीं मानना, तुम ऐसा कह दो कि सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, तुम तो गांव की बात कर रहे। तो ये कृष्ण बहुत अद्भुत कर्म करने वाले हैं, लेकिन एक बात तो है कि वो जैसे भी कर्म करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं, जो भी लीलाएं करते हैं ये न के न प्रकार है, उससे उनके भक्तों का ही कल्याण होता है, वो दीन वत्सल है। इसीलिए यहाँ पर अनुग्रहात भगवतो, ये भगवान जो है वो अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं अपने सारे अद्भुत कर्मों के द्वारा, अपने सारे भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि यो वै द्रोणस्त्र विप्लुष्टो, ऐसे भगवान न मातुरुदरे मृतः, जो भगवान श्री कृष्ण की संरक्षण में जब परीक्षित महाराज की माता गई थी, तो फिर द्रोण पुत्र ने जब वो ब्रह्मास्त्र चलाया था माता के गर्भ में, अनुग्रहात भगवत, तो भगवान इतने करुणामय हैं कि गर्भ के अंदर जाकर भी उनकी सुरक्षा की। ऐसे कृष्णात अद्भुत कर्म, कृष्ण इतने अद्भुत कर्म करने वाले हैं। और इस तरह से पुनः महाराज परीक्षित की ओर सारे ऋषियों का ध्यान एकत्रित करने, क्योंकि महाराजा परीक्षित वो व्यक्ति हैं जिनको जब श्राप मिलेगा तभी तो भागवतम का स्टार्ट होगा, तभी तो भागवतम का प्रारंभ होगा। इसलिए महाराजा परीक्षित की कथा को पुनः विस्तार से बताने के लिए सूत गोस्वामी यहाँ पर उत्सुक हो रहे हैं, और जो ऋषिगण हैं वो भी बड़े प्रेम से इस कथा को सुन रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतने महान राजा को भी शाप मिला। तो आगे महाराज सूत गोस्वामी जो है इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ब्रह्म को पोथिताथ्यस्य तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मो मोहो रुभयात् भगवत्यर्पिताशयः। ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मो मोहो रुभयात् भगवत्यर्पिताशयः। ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मो मोहो रुभयात् भगवत्यर्पिताशयः। ब्रह्म कोपोत्थितात् यस्य, ब्रह्म कोपो यानी ब्राह्मण के क्रोध से उत्थितात् यस्य, जो उत्पन्न हुआ था तू, लेकिन तक्षकात् प्राण विप्लवा, तक्षक आदि यानी जो तक्षक नाग था, जो तक्षक सर्प जो था, उसके द्वारा प्राण विप्लवात जीवन क्षय होने से न सम्मो मोहो, न सम मतलब कभी नहीं उनके अंदर मोह भी अभिभूत नहीं हुआ, उरु भयात
और महान भय भगवती यानी भगवान में अर्पित आशय, अर्पित यानी शरणांगित और आशय मतलब चेतना। अनुवाद, इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे और न ही सम्मोहित थे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से भरकर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस तरह वह स्वर्ग या नरक को समान महत्व प्रदान करता है। वह अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भगवान द्वारा उत्पन्न जीवन की विभिन्न दशाएं हैं, किंतु सभी दशाओं तथा परिस्थितियों में नारायण का सिमरन अनिवार्य है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटि व श्राप दे दिया था क्योंकि वह कली के वशीभूत था, किंतु महाराज परीक्षित ने इस श्राप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तो नारायण कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी भगवान की कृपा से होगा। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतएव महाराज परीक्षित ऐसी बातों से ना तो भयभीत थे ना मोहग्रस्त। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान के भक्तों को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से पूरी तरह से भगवान के शरणागत होना चाहिए। यहाँ पर महाराज परीक्षित बहुत ही सुंदर राज्य कर रहे थे और एक दिन अचानक ब्रह्म कोपो यानी एक ब्राह्मण ने उनके ऊपर क्रोध किया और उच्चतान यस्य उनको उसके क्रोध के द्वारा उनको एक श्राप मिला। क्या? तक्षकात प्राण विप्लवात, तक्षक सर्प के काटने से आपके प्राण चले जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमें कोई थोड़ी सी तकलीफ के लिए भी, थोड़ा सा कष्ट देने के लिए भी कोई अगर मतलब किसी के कारण यदि हमें लगता है कि इसके कारण हमें ये तकलीफ मिली है या कष्ट मिल रहा है, तो हम उस व्यक्ति के प्रति कितनी घृणा करते हैं। हम कैसे सोचते हैं कि इसके कारण मुझे दुख मिला है, इसके कारण मुझे तकलीफ मिली है, इसके कारण मैं ये कष्ट सह रहा हूँ, ऐसा लगता है ना। लेकिन ये महाराज परीक्षित जो कि इतना सुंदर राज्य कर रहे थे, हर एक जीव की इतनी सहायता कर रहे थे, उनको संरक्षण, अपने पूरे राज्य को संरक्षण प्रदान कर रहे थे, लेकिन एक नासमझ ब्राह्मण बालक ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें 7 दिन के अंदर मरना पड़ेगा, 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक काट प्राण विप्लवात, आएगा तक्षक सर्प और तुम्हारे प्राण ले लेगा। उस समय महाराजा परीक्षित जब कलयुग को दंड दे सकते थे, तो क्या इस ब्राह्मण के पुत्र को दंड नहीं दे सकते थे? अवश्य दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है कि आगे कह रहे हैं सूत गोस्वामी, न सम्मो मोहो रू भयात। ये महाराज परीक्षित
ना ही उस समय मोहग्रस्त हुए कि क्यों मुझे इस बालक ने श्राप दिया, ना ही उनको कोई मोह हुआ और ना ही कोई उनको भय प्राप्त हुआ कि 7 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे, तक्षक मुझे सर्प जो है वो मुझे डस लेगा, ऐसा कोई भी भय उसके मन में ना आया और ना ही कुछ मोह उसके अंदर उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि आगे कहते हैं भगवत यर्पित शया, भगवत यानी भगवान के, अर्पित यानी अर्पित है, आशया मतलब चित्त। क्योंकि महाराज परीक्षित का चित्त जो है वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है एक भक्त की। एक भक्त जो होता है वो पूरी तरह से भगवान के समर्पित होता है। उसके जीवन ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में दुख नहीं आते, हम देखते हैं महाराज परीक्षित के जीवन में दुख है, हम देखते हैं पांडवों के जीवन में जितने दुख आए, पांडवों के जीवन में इतने दुख आए कि कोई साधारण व्यक्ति उन दुखों के विषय में सोच कर वरना आश्चर्यचकित हो जाए कि इतने सारे दुख। यहाँ तक कि महाराज जब युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह धर्म की शिक्षा दे रहे थे तब उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही, 1.9.15 अत्यंत ही सुंदर शब्द भीष्म पितामह द्वारा कहते हैं, यत्र धर्म सुता राजा गदा पाणी वृकोदर कृष्णो स्त्री गांडी वंशापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत। कि भगवान का जो प्रभाव है, ये जो काल का प्रभाव है वो कितना आश्चर्यमय है। यत्र धर्म सुता राजा, जहाँ पर साक्षात धर्म के पुत्र, आप कोई साधारण राजा नहीं हो, आप तो साक्षात धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर हो। गदा पाणि वृकोदरा, और जहाँ पर गदाधारी भीमसेन बलशाली अस्त्रधारी कृष्णोस्त्री गांडीवम, कृष्णोस्त्री यानी अर्जुन जो है वो गांडी धनुष धारण करने वाला धनुर्धर, और साथ साथ इतने सारे महान योद्धाओं के साथ साथ सुहृद कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण साक्षात आपके सुहृद बने हुए हैं, आपका रथ चलाने वाले बनते हैं, तो कभी आपके संदेश वाहक बन के जाते हैं, शांति दूत बन के आते हैं, और वहां पर भी विपत्ति, तो वहाँ ये इतने सारे कष्ट जो उन्होंने देखे, तो भक्त सदैव क्या सोचता है कि मेरे पास जो भी कष्ट आ रहा है वो भगवान का दिया हुआ वरदान है। भक्त को कभी भी कष्ट कष्ट नहीं लगते। मीरा जी के पास जब सर्प को भेजा गया और कहा गया ये तुम्हारा गिरधर है, तो उनको यही लगा कि मेरे पास गिरधर के अतिरिक्त तो और कोई आ ही नहीं सकता, ये अवश्य मेरा गिरधर है, और वह सर्प भी मीरा जी के लिए गिरधर बन गए। तो इसका मतलब ये है कि दुख तो जीवन में आते हैं भक्तों के भी, लेकिन भक्तों को कभी वो दुख दुख लगते नहीं है। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि भगवत यर पिताशय, कि वो पूरी तरह से भगवान के शरणागत होते हैं। और महाराज परीक्षित क्योंकि पूरी तरह से भगवान के शरणागत थे, वो जानते थे कि जब मुझे मरना नहीं था तो माता के गर्भ में आकर भी जिसने मुझे बचा लिया, तो आज यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो ये सर्प के द्वारा मुझे मरवा देंगे, अगर नहीं मारना चाहेंगे तो फिर मैं कभी भी नहीं मर सकूंगा, जब तक राखे कृष्ण मारे कौन और मारे कृष्ण तो राखे कौन। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि भगवान का जो आत्मपरायण आत्मशरणागत भक्त होता है वो नारायण परायण कहलाता है, यानी कि वो पूरा का पूरा भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होता है, भगवान के ऊपर जो है वो शरणागत होता है, वो किसी स्थान या व्यक्ति से यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, उसको कभी भी डर नहीं लगता कि अभी मृत्यु आ जाएगी मेरा क्या होगा, क्योंकि उसे पता है कि संसार के कण कण में हर जगह पर भगवान है, वो अवश्य मेरी सहायता करेंगे, और इसके लिए परमेश्वर से बढ़कर और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। वो सदैव भगवान के शरणागत होता है, उसकी भगवान के अंदर श्रद्धा इतनी पक्की होती है, इतना दृढ़ विश्वास होता है कि यदि मुझे कोई कष्ट भी आ रहा है तो उसमें भी मेरा कल्याण है, क्योंकि वह कष्ट जो है वो मुझे कोई और नहीं दे सकता, हर
एक हालांकि महाराज परीक्षित देख रहे थे कि उस ब्राह्मण पुत्र ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन वो हृदय से सदैव यही सोच रहे थे कि ये श्राप भी आखिर मुझे भगवान के द्वारा ही प्रदान किया है ना, अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो क्या वो मुझे श्राप दे सकता था। हम कभी भी ऐसे नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि देखो इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मैं तो कितनी अच्छी भक्ति कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, वो मेरे बारे में ऐसा। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि परीक्षित ने इस श्राप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तो नारायण ने उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी भगवान की कृपा है। जब बचाना है तो भगवान स्वयं आके बचा देते हैं। भक्त जानता है कि मुझे चाहे संसार का सबसे बड़ा कष्ट भी मिल जाए तो वो भी मेरे लिए वरदान है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने साफ साफ लिखा कि भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। जो कुछ भी होता है, चाहे वो कुछ भी हो रहा है, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। भक्त की कोई भी इच्छा नहीं होती है सिवाय इसके कि मैं कैसे भगवान की इच्छा को पूरा करूं। बस भक्त के हृदय के अंदर ये जो हमारे अंदर जो काम वासना है ना कि मैं चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा दोष है। और यह जो संग दोष है ना, ये मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे बुरा लगता है, ऐसा मेरे साथ होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, यही जो है वो हमें समर्पित नहीं होने देता भगवान की इच्छाओं के प्रति। जब कोई भक्त जो है, शुद्ध भक्त जो होते हैं, भगवान की इच्छाओं के प्रति समर्पित हो जाते हैं, फिर उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता। जो भी हो रहा होता है उन्हें यही लगता है कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा होता है। भक्त की केवल एक ही काम होता है कि वो कैसे भगवान की इच्छाओं में सहयोग प्रदान करे, भगवान की इच्छाओं का सहयोग मतलब वो कैसे गुरु आज्ञा का पालन करे। गुरु महाराज के आदेशों का जैसे जैसे हम पालन करेंगे तो वही, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं हम कोई अपराध करते हैं और हम सोचते हैं कि ये शायद भगवान की इच्छा होगी। नहीं नहीं, भगवान की इच्छा आप अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते, अवश्य किसी शुद्ध गुरु का आपको आश्रय लेना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि भगवान इस समय आपसे क्या चाहते हैं। कोई शुद्ध वैष्णव ही हमें उस समय बता सकते हैं कि इस समय आपका क्या कर्तव्य है। हम खुद से उस समय डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे मन में तो अपराध भरे हुए हैं। तो हमें हमेशा जो शुद्ध वैष्णव है उनके अंडर में रहकर कार्य करना चाहिए, और अगर उन्होंने हमें कोई भी जो भी बात वो हमें बताते हैं तो भगवान की इच्छा होती है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। ऐसे भक्त बोलते हैं कि आप मुझे गाढ़ आलिंगन दो या अपने पैरों से कुचल दो, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे क्या मिला है, मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुमने मुझे याद किया और तुमने मुझे यह कष्ट दिया। तुम मुझे कष्ट देकर और भी अपने पास आगे बढ़ाना चाहते हो, प्रेम में उन्नति कराना चाहते हो। इस श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त के लिए स्वर्ग और नरक सब बराबर होते हैं, चाहे भगवान उसे स्वर्ग जैसा सुख दे या नरक जैसा कष्ट भी दे, लेकिन उसे पता है कि चाहे स्वर्ग हो या नरक वो सब भगवान की ही अभिव्यक्तियां हैं। इसलिए हर दशा में वो भगवान को स्मरण रखता है, वो भगवान को याद करता है और वो जानता है कि मेरी जो भी स्थिति है भगवान से छिपी हुई नहीं है, और भगवान जानते हैं कि मेरी स्थिति ऐसी हो, वो चाहते हैं तो मेरे लिए वही स्थिति सबसे ज्यादा आनंददायक है। इसलिए सदैव क्या बोलता है, थैंक यू कृष्णा फॉर नाउ एज इट इज। हम वो भक्त जो होते ना, शुद्ध भक्त, वो हमारी तरह से भगवान को कंप्लेन नहीं करते कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई कंप्लेन करता है ना तो समझो अभी तक वो भगवान को समर्पित नहीं हुआ है। जैसे महाराज परीक्षित भगवत यर्पिताशय, भगवान के अंदर अपना पूरा चित्त आश्रित हो जाता है, जिसका पूरा चित्त जो है वो शरणागत हो जाता है, तब वो कभी भी शिकायत नहीं करता, सदैव भगवान को धन्यवाद करता है
और सोचता यही है कि मेरे अपराधों के कारण तो मुझे और भी अधिक कष्ट मिलना चाहिए था, मगर ये तो मेरे प्रभु की कृपा है कि इतने थोड़े कष्ट में मेरे सारे अपराधों को समेट कर दंड दे रहे हैं मेरे प्रभु, वरना मेरे तो अपराध इतने घिनौने हैं कि मुझे बहुत अधिक दंड मिलना चाहिए था। और उस स्थिति में चाहे उसे नरक में भी रखा जाता है तो उसमें भी वो भगवान का धन्यवाद कर रहा होता है। और ये भगवत के भगवान के अंदर इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम और भगवत यर्पिताशय, उसका जो आशय है, उसका जो चित्त है, वो भगवान के अंदर किस तरह से कैसे अर्पित हो जाता है, वो किस तरह से इतना शरणागत हो जाता है, और वो क्या करता है ऐसा कि उसे स्वर्ग और नर्क सब बराबर लगते हैं, उसको ऐसा कौन सा पावर, ऐसी कौन सी शक्ति मिल जाती है, वो आगे बताते हैं सूत गोस्वामी। बहुत ही सुंदर शब्द है, वे कहते हैं, उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जित संस्थिति वैयासके जहौ शिष्यो संगायां स्वं कलेवरम्। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जित संस्थिति वैयासके जहौ शिष्यो संगायां स्वं कलेवरम्। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जित संस्थिति वैयासके जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कले गंगायां स्वं कलेवरम्। वापिस से देखिए, उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जित संस्थिति वैयासके जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम्। उत्सृज्य सर्वतः संगम, यदि हमें अपना चित्त भगवान के चरणों में समर्पित करना है तो सबसे पहले जो हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या है, उत्सृज्य। उत्सृज्य माना छोड़कर, क्या छोड़कर, सर्वतः चारों ओर से संगम, यानी जितना भी संसार से हमारा, क्योंकि जब तक संसार का संग, संसार की आसक्ति अभी हमारे मन में बनी रहेगी तब तक हम भगवान के प्रति अपने पूर्ण प्रेम को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उत्सृज्य सर्वतः संगम, संसार का सारा संग छोड़ दिया और विज्ञाता जित संस्थिति, विज्ञाता मतलब उनको फिर पता चल गई, विज्ञात हो गई, यानी वो जान गए, क्या जान गए, समझ गए थे क्या, अजित, अजित कहते हैं भगवान को, जिनको कोई भी जीत ना सके, अजित भगवान का नाम है और वे हर प्रकार से अजित हैं। भगवान का ज्ञान अजित है, भगवान को कोई ज्ञान से नहीं जीत सकता, भगवान का धन, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का सौंदर्य, भगवान की पूरी स्थिति अजित है। इसे भगवान कहते हैं जन्म कर्म क्षमे दिव्यम, भगवान पूर्णतया दिव्य है लेकिन फिर भी उनको जाना जा सकता है, इसलिए कह रहे हैं विज्ञाता जित संस्थिति, वो उस अजित भगवान की स्थिति को जान गए, कैसे जान गए, वैयासके जहो शिष्यो, भगवान को जाना जा सकता है परंतु उसके लिए क्या चाहिए, एक पूर्ण गुरु, एक शुद्ध सतगुरु का सानिध्य। जब हम जिस दिन किसी शुद्ध वैष्णव गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं उस समय भगवान को जाए, गुरु जो है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं, गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब हम वाकई में सिंसियर होते हैं, जब हम सीरियसली भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जब हमारे अंदर क्या होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए पक्की भगवान के अंदर, और सिंसियरिटी और सीरियसनेस होनी चाहिए। आपको भले कुछ भी नहीं आता हो, आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, सिंसियरिटी है, सीरियसनेस है, तो फिर आपको भगवान अवश्य ऐसे गुरु से मिला देंगे जो आपको भगवान तक पहुंचा देंगे। भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं,
और गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं वया सकेल जहो शिष्यो, वया सके यानी व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, जहो मतलब त्याग दिया, शिष्यो शिष्य के रूप में, क्या गंगायाम स्वम कलेवरम, गंगायाम यानी गंगा नदी के तट पे स्वम कलेवरम अपना कलेवर भी त्याग दिया, है ना। जब सब कुछ त्याग दिया, उत्सृज्य सर्वतः संगम, संसार का सारा संग त्याग दिया, और उसका कारण क्या, क्योंकि उन्होंने एक महान सतगुरु का शरण लिया, और जब उन्होंने उस वैष्णव शुद्ध वैष्णव सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनी तो वो विज्ञाता जित संस्थिति भगवान की, भगवान अजित की स्थिति को समझ गए और गंगा के तट पर अपने शरीर को भी त्याग दिया। अनुवाद देखिए, तत्पश्चात, तत्पश्चात माना कि जब उस ऋषि बालक ने उनको श्राप दिया था, उसके बाद अपने समस्त संगियों को छोड़कर, यानी कि इतना जो भी उनका इतना बड़ा राज्य था उस सबको छोड़कर, राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वह भगवान की वास्तविक स्थिति समझ गया। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर अजित शब्द महत्वपूर्ण है, विज्ञाता जित संस्थिति, जो अजित शब्द है वह भगवान का नाम है। भगवान श्री कृष्ण अजित अर्थात ना जीते जाने वाले, जा सकने वाले कहलाते हैं, और वे हर प्रकार से अजित हैं। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता, वे ज्ञान के द्वारा भी अजित हैं। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई तरह से व्याख्या करते हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से जिनकी शरण राजा ने विनीत शिष्य के रूप में ग्रहण की, मनुष्य भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके नित्य धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई शुद्ध वैष्णव गुरु होता है ना, उसी के द्वारा ही हम भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। उनके नित्य धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हुए तथा उस दिव्य विधि से जिससे उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकता है, राजा अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्वस्त था, और इस उसे जान लेने के कारण वह प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकता था। जब कोई शुद्ध गुरु हमें ज्ञान देता है तो हमें पता चल जाता है कि यह शरीर तो आज नहीं तो कल हमें छोड़ना है, और जब यह शरीर ही छोड़ना है तो इससे रिलेटेड सारी व्यक्ति और सारी वस्तुओं का परित्याग करना है। तो उन शरीरक से यानी देहात्म बुद्धि से हमें शुद्ध गुरु ऊपर निकालता है और हमें यह याद दिलाता है कि हमारा संबंध केवल भगवान से है, और जब हम अपने भगवान के साथ अपने टूटे हुए संबंध को जोड़ देते हैं तो यह संसार की सारी सामग्री हमें तुच्छ लगने लगती है। मतलब कुछ भी हमें ऐसा नहीं लगता कि ये आनंद प्रदान करने वाला है। अभी हमें संसार की चीजें आकर्षित करती हैं क्योंकि हमने अभी वो रियल टेस्ट को चखा नहीं है, वो टेस्ट जो भगवान के नाम में है, भगवान के धाम में है, भगवान के संग में है। जब उस टेस्ट के विषय में हमें पता चलेगा, उस रस का आस्वादन जब होता है ना शुद्ध गुरु के द्वारा, फिर ये संसार का मजा बहुत तुच्छ लगने लगता है। जैसे यमुनाचार्य जी कहते हैं, यदवदी मम चेतः कृष्ण चरण विंद नव नव रस गंतुमद्यत उद्यतां तदवदी बत नारी संगमे स्मर्यमान। जब से मेरा चित्त जो है वो भगवान के चरण कमलों के रस का आस्वादन किया है, तब से हर एक कदम पर मुझे नया नया रस का आस्वादन होता है। ऐसा लगता है
जैसे जैसे मैं भगवान के नाम के प्रति और अधिक बढ़ता रहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा उनका नाम जप करता हूँ, तो इतना आनंद लगने लगता है कि आनंद बढ़ता जाता है, नव नव रस और भी तेज आनंद, नया नया आनंद आता है। और फिर जब मैं पिछली हालत में याद करता हूँ, तदवधी पद नारी संघ में स्मरियमानी, अगर मुझे कभी थोड़ी देर के लिए भी स्त्री संघ के विषय में या संसार के भौतिक विषयों के विषय में मैं सोच लेता हूँ, तब सुष्टु विकारम, ये जो हमारा मुख विकार, मुख जो है मेरा, वो थूक करने का दिल करता है, मतलब ऐसा लगता है कि थूकने का दिल करता है। इतना संसारी आनंद जिसके लिए आज हम मर रहे होते ना, जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है ना, तो संसार का सारा आनंद जो है वो तुच्छ लगने लगता है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजा अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्वस्त था, उन्हें पता था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे भगवत प्राप्ति होने वाली है, और उसे जान लेने के कारण वह प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सका। फिर उसने अपने शरीर तक को, दूसरी चीजों को तो छोड़ो, शरीर को भी बगैर आसक्ति के छोड़ दिया। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 59 में भगवान बताते हैं कि वैसे तो संसारी वस्तुओं में आसक्ति बनी रहती है, लेकिन रसवर्जम रसोप्यस्य, अगर किसी को रियल आनंद, वास्तविक टेस्ट परम दृष्ट्वा निवर्तते, जिसको परम टेस्ट पता चल जाता है, फिर वो सारा सांसारिक सुख उसे तुच्छ लगने लगता है। परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सारी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता से हम उस भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ है, और सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु की कृपा से भगवान की इस पराशक्ति के प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है। जो प्रामाणिक गुरु होता है, जो शुद्ध गुरु होता है, वही हमें भगवान की शक्ति के विषय में बता सकता है, जिसे भगवान अपने नित्य नाम, गुण, लीलाओं, साध सामग्री तथा उन अनेक रूपता को प्रकट करते हैं। भगवान की इस पराशक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न कर ले, भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं पाता। यानी कि अगर जब तक हम किसी शुद्ध वैष्णव से, प्रमाण गुरु से भगवान के प्रेम का आस्वादन नहीं करते ना, भगवान की पराशक्ति का आस्वादन नहीं करते, भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण नहीं करते, तब तक भले हम शास्त्रों को, सारे शास्त्रों को कंठस्थ कर लें, भले सारे सैद्धांतिक चिंतन कितना भी कर लें, भौतिक शक्ति को, ये जो भौतिक आसक्ति है उसको नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि भगवान के प्रेम को ना रस, उस रस को आस्वादन नहीं करेंगे, तब तक भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण समाप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की कृपा प्राप्त हुई थी, अतएव वे अजित भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके थे। ये जो भगवान का कोई शुद्ध वैष्णव गुरु जब हमें मिलता है, तो समझो ये सब भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है, और उसी शुद्ध वैष्णव जो गुरु होते हैं, जो परंपरागत होते हैं, उन्हीं के द्वारा हम भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं। वैदिक साहित्य से भगवान की खोज निकालना कठिन है, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, ब्रह्मा जी कहते हैं वेदों के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, हम केवल कोरे ज्ञान से भगवान को नहीं समझ सकते जब तक कि हम किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय नहीं लेते। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम श्री प्रभुपाद जी के शरणों में, श्री प्रभुपाद जी के शब्दों में श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण कर रहे हैं, जिसके कारण हम भगवान की स्थिति को समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे हम भगवत प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नाम के अंदर, भगवान की कथाओं के अंदर हमें रस आ रहा है। जैसे जैसे हम श्रवण करते जाएंगे तो फिर वैराग्य खुद ब खुद आता जाएगा, भौतिक वस्तुओं के प्रति अनुराग समाप्त हो जाएगा, और एक दिन अवश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा।
मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं आप सबकी सेवा और अपनी साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।